जिसमें हम सभी शिवसेना के नेता थे, हमारे विधायक थे, हमारे एमपीस थे, और जो महाराष्ट्र में और पूरे देश में जो उथल पुथल चल रही है, उसको तोड़ो, उसको फोड़ो, उसको खरीद लो, ये जो राजनीति बीजेपी की चल रही है उसके ऊपर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में उसका क्या परिणाम होगा उसका ऊपर चर्चा हुई, और इस संकट और संघर्ष से हमको कैसे आगे जाना है उस बारे में मार्गदर्शन हुआ। लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा हुई, यूसीसी के बारे में चर्चा हुई। माननीय उद्धव ठाकरे जी का जो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा एक हम राज्यव्यापी एक दौरा यानी टूर हम बना रहे उस बारे में चर्चा हुई, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी, चाहे शिवसेना, हर संकट में, हर संकट के घड़ी में ये तीनों पार्टी महाविकास आघाड़ी के बैनर में एक साथ है। महाविकास आघाड़ी की अगली मीटिंग कब हम लोग देख पाएंगे, क्योंकि शरद पवार अकेले पड़ गए हैं? शरद पवार अकेले नहीं पड़ गए, हम उनके साथ हैं और वो मजबूत है। पवार साहब को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, पहचानता हूँ। शरद पवार साहब ये बाला साहब ठाकरे जैसे ही है, अभी कभी भी अपने आप को अकेले महसूस नहीं करते। सर, बीजेपी के लोग इसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, पहले उन्होंने सूचना में मास्टर स्ट्रोक क्या होता है, जिसके हाथ में ईडी सीबीआई जैसी एजेंसी हो, यानी जिसने अंपायर को ही फोड़ दिया है, तो मास्टर स्ट्रोक 2024 में हम भी मारेंगे ना। दो घंटे दीजिए, स्ट्रोक पर स्ट्रोक बैठेंगे, हमारे हाथ में दिए ये एजेंसी ना दो घंटे के लिए। एक चीज और कह रहे हैं कि एनसीपी चूंकि पूरी की पूरी एनसीपी उनके साथ आ गई है सरकार में, तो अब एमवीए बचा ही कहां एनसीपी ने। बात ऐसी है, जब शिवसेना के कुछ विधायक टूटे थे तब भी यही कहा था, अब ये कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बोलने और कहने से कोई राजनीति चलती है क्या, पता चलेगा ना। सर, प्रफुल्ल पटेल ने यह दावा किया है कि जिस वक्त महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी थी उसी वक्त 54 में से 51 विधायक बीजेपी के साथ शामिल होने के लिए तैयार थे, लेकिन लीडरशिप जो है उस वक्त फैसला नहीं ले पाया था, इस कारण ये देरी हुई, नहीं तो पहले हो जाता। मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो उनका पार्टी का एक अंदरूनी मामला है, मैं बात नहीं करूंगा। अजीत पवार के आने के बाद महाविकास आघाड़ी में ही रहेगी या कुछ अलग? महाविकास आघाड़ी में ही रहेगी, हम सभी चुनाव एक साथ लड़ेंगे, ये तय हुआ है। अजीत पवार के साथ आने से क्या एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर, उनकी बार्गेनिंग पावर कभी नहीं थी, जो गुलाम होता है गुलामों की कभी बार्गेनिंग पावर नहीं। सर, एक सर, सवाल है।